हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक। आज का टॉपिक लेके आए हैं हम डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे कहते हैं, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप पीछे जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें आज करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आज हम डिफरेंस करेंगे ओनली कि क्या क्या इसके नेचर की है चीजें और क्या क्या इसके नेचर की है जो ट्रांजैक्शन है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक ऑफ कंपैरिजन, नेचर, इनमें नेचर देखेंगे कि कौन सा किस नेचर का है और कौन सा अकाउंट किस नेचर का है। तो इट इज द समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक की भी मैं वीडियो लेकर आने वाली हूं थोड़े दिनों तक। ठीक है, कैश बुक किसे कहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज द समरी ऑफ कैश बुक की जो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है इसकी समरी होती है कैश बुक की तरह, कि जैसे कैश बुक में हम सारी ट्रांजेक्शने लिखते हैं कैश की, उसी तरह रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अंदर भी सिर्फ कैश का लेन और देन, कि कितना हमने रिसिप्ट्स किया है, कितनी हमने पेमेंट्स की हैं, उसकी कैश की ट्रांजेक्शने ज्यादा रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट की होती हैं। तो मतलब कि इसका नेचर कैसा है, इनका नेचर है कि किस जैसे हैं ये, तो ये है कैश बुक की तरह, इनकी समरी है रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट की। नेक्स्ट आ जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनका नेचर कैसा है, इट्स लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें प्रॉफिट, जितने भी उस साल के प्रॉफिट हुए हैं प्रॉफिट में लिखेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं खर्चे हुए हैं वो हमारा लॉस में जाएगा, जितने इनकम्स हुई है वो प्रॉफिट में। तो उसी तरह जिस तरह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसी तरह सेम हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि इनका नेचर इनकी तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है इनका नेचर। तो इसमें क्या होएगा, अगर हमारी इनकम ज्यादा है, हमारी इनकम है प्लस मतलब ज्यादा है, ठीक है, किससे, एक्सपेंडिचर से, हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है इनकम ज्यादा है, तो वो कहलाएंगी सरप्लस, सरप्लस कहलाएंगी। अगर इसका उल्टा, अगर हमारे एक्सपेंस ज्यादा है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है, और इनकम क्या है हमारी कम है, तो वो हमारे डेफिसिट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट का नेचर। नेक्स्ट नंबर इज नेचर ऑफ अकाउंट, अब हम इनके अकाउंट का नेचर देखेंगे कि इनके अकाउंट का नेचर कैसा है। तो आ जाइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, इनका नेचर है रियल अकाउंट, इनका नेचर रियल अकाउंट की तरह है। अब हमने रियल अकाउंट का रूल देखो हमने पढ़ा था, आपने पिछली वीडियोस चेक की होंगी, उसमें रियल अकाउंट क्या है मैंने बताया हुआ है अच्छी तरह। तो मैं यहाँ पे इसका रूल बता देती हूँ, रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट वर्ड कम इन, कि डेबिट करो उस चीज को जो आ रही है, कम इन हो रही है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो जा रही है उसको कर दो क्रेडिट, जो जा रही है उसको कर दो क्रेडिट, जो आ रही है उसको कर दो डेबिट। तो ये रूल रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में, अब देखो रिसिप्ट्स का क्या मतलब है, आना, पैसा आना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी रिसिप्ट, इसमें क्या होगी जो आ रहा है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग वो हो जाएगी डेबिट, और जो जा रहा है हम पे कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट क्या हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, तो ये था हमारा नेचर ऑफ अकाउंट, इसमें रियल अकाउंट चलेगा रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में। नंबर सेकंड, इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन सा अकाउंट चलेगा, इसमें चलेगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, आप पीछे जाकर चेक कर सकते हो वीडियोस को। अब इसका रूल क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, एक्सपेंस को कर दो डेबिट, एंड
ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, कि सभी इनकम्स को कर दो क्रेडिट, सभी खर्चों को कर दो डेबिट. ये था हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल. तो इसका रूल यहां पे चलेगा, इनकम इनकम हुई अगर, इनकम और एक्सपेंडिचर में नॉमिनल अकाउंट का रूल चलेगा. तो इनकम हुई है, देखो इन्होंने क्या कहा है कि सभी इनकम को कर दो क्रेडिट, तो क्रेडिट हो जाएंगी सभी इनकम्स. और एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, अब जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उन्होंने क्या बोला है, ऑल द एक्सपेंस आर डेबिट, ये हो जाएगा डेबिट. ये था नेचर ऑफ अकाउंट, ये नेचर ऑफ अकाउंट्स थे. नंबर थर्ड, इसमें लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको रहेगी ये किस चीज का है. इसमें हम नेक्स्ट इज पीरियड, पीरियड बोल सकते हैं या ईयर भी बोल सकते हैं, कि ईयर की ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ होगी. तो इसमें हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर तीनों सालों की रिसिप्ट्स पेमेंट्स काउंट कर सकते हैं. अब बोलोगे तीनों सालों में कैसे, अगर कोई प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस जो करंट अभी चल रहा है और आने वाला है, फ्यूचर, सभी तरह की पेमेंट्स और रिसिप्ट्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगी. ठीक है, तो हम लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मे ऑल्सो रिसिप्ट्स टू प्रीवियस प्रीवियस करंट एंड फ्यूचर ईयर, कि हम सभी तरह की जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हैं, हम पिछले साल की जो रह गई है हमारी और जो चल रहा है साल, मान लो 2020 की भी हम ले सकते हैं, अगर कोई रह गई हमारी पेमेंट या हमने करनी थी वो कर सकते हैं, और 2021 जो चल रहा है इसकी भी इसमें आ जाएंगी, और 2022 की भी आ जाएंगी, जो हमने पेमेंट्स करनी है वो भी इसमें आ जाएंगी, या हमें एडवांस में पैसे मिल गए, रिसिप्ट भी मिल गई, वो भी इसके अंदर एड हो जाएंगी इसके पीरियड के अंदर. नेक्स्ट इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, इसमें आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स ओनली क्रिएट, ओनली ओनली क्रिएट टू द करंट ईयर. इसमें बोला है कि जो करंट ईयर अभी चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, 2021, कि इसी ही ट्रांजेक्शन इसमें ऐड होएंगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ओनली इसकी, ना तो प्रीवियस ईयर की और ना करंट ईयर की होंगी. इनकम और एक्सपेंड, जो हमने इनकम्स और एक्सपेंस पता करने हैं वो इसी साल के पता करने हैं, ना कि पिछले और अगले सालों के. तो इसमें सिर्फ एक ईयर्स ही काउंट होगा. नेक्स्ट आ जाइए कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शने. अब कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शने पता करते हैं कि रिसिप्ट्स और पेमेंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शने होंगी. इट्स इंक्लूड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, कि इसमें सिर्फ कैश की, कि कैश की रिसिप्ट मिली है या पेमेंट्स मिली है, सिर्फ कैश की ही ट्रांजेक्शने होंगी इंक्लूड. और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कौन कौन सी होंगी, इट इंक्लूड बोथ कैश एंड नॉन कैश. इसमें कैश की भी और बिना कैश की भी, जो प्रॉफिट हो गया एक्सपेंस हो गया वो इंक्लूड हो जाएंगी, जरूरी नहीं है कि कैश, इसमें दोनों की ट्रांजेक्शनें ऐड हो जाएंगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कर लेते हैं हम डेबिट साइड, कि डेबिट साइड कौन सी ट्रांजेक्शन हम नोट करेंगे. अब देखो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पता ही चल ही गया है कि डेबिट वर्ड्स कम इन, जो आ रहा है उसको डेबिट और जा रहा है उसको पेमेंट कर, क्रेडिट कर दो. तो क्या आया है, रिसिप्ट आ रही है तो उसको करेंगे डेबिट, तो लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड, कि डेबिट साइड क्या आएगा, ऑन द डेबिट साइड रिसिप्ट, कि जो आया है रियल अकाउंट चलेगा यहाँ पे. ऑल द डेबिट साइड इज रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड. ठीक है,
ये तो हमें मतलब यहीं से ही पता चल गया था कि क्या डेबिट होएगा क्या क्रेडिट, इसीलिए इनकम और एक्सपेंड, जो इनकम हो रही है वो क्रेडिट, जो एक्सपेंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंस हो रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे डेबिट। तो यहां पे आ जाएगा ऑन दी डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, ऑन द डेबिट साइड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था नॉमिनल अकाउंट्स का कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। और इसी तरह हम लिखेंगे इसकी, इसमें अब देखेंगे क्रेडिट साइड का, अगर हमें परफॉर्मा बनाना पड़ गया तो आप ऐसे बना सकते हो। अब हम क्रेडिट साइड देखेंगे, इसको उल्टा हो जाएगा बस, ऑन दी क्रेडिट साइड पेमेंट आर रिकॉर्ड्स। अभी अब इसका इनकम और एक्सपेंड में, ऑन दी क्रेडिट साइड इनकम्स आर रिकॉर्ड्स। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूं कि नेचर में क्या होगा, इसमें कैश बुक होएगा कैश बुक की समरी की तरह, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की समरी की तरह। अब नेचर ऑफ अकाउंट, इनका नेचर किस तरह है, रियल अकाउंट जैसा कि डेबिट वर्ड कम इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और इसमें नॉमिनल अकाउंट चलेगा, एक्सपेंस क्या होंगे डेबिट, ऑल दी इनकम होगी क्रेडिट। पीरियड्स कौन सा होगा, इसमें तीन पीरियड्स, प्रीवियस करंट और फ्यूचर वाला ऐड होएगा। इसमें सिर्फ करंट, जो करंट अभी चल रहा है। अब इसमें कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इट इज इंक्लूड ओनली कैश, इसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन है, और इसमें बोथ कैश भी और नॉन बोथ कैश भी। अब डेबिट साइड आ जाएगा रिसिप्ट्स, और इसमें आ जाएगा एक्सपेंडिचर रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा पेमेंट, और उस साइड आ जाएगा इनकम्स जो हमारा रूल कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें हम पता करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस रखते किसमें है और किसमें नहीं रखते। तो इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। अब देखो, हम रिसिप्ट्स और पेमेंट जानेंगे तो हम हमें पता होगा कि पीछे कितनी हमारी रिसिप्ट्स थी कितनी पेमेंट्स थी। तो इसका अकाउंट जब बनाएंगे ना हम रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का, उसमें हम ओपनिंग बैलेंस जरूर रखेंगे कि इसका ओपनिंग बैलेंस जैसे 5,000 रुपये है, उससे आगे एंट्रियां स्टार्ट होंगी, बैंक बैलेंस देखा जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट इनकम और एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ नहीं होता, इसका हम सिंपल बनाते हैं सीधा। इसमें कोई भी कैश ओपनिंग बैलेंस, इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, कि इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ये सीधा अकाउंट बनता है कि कितनी इनकम होगी कितने एक्सपेंस होंगे उनका सारा टोटल नीचे होएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, एक्सपेंस में से इनकम माइनस कर देंगे, वो उसके अकॉर्डिंग कि कितनी हमारी इनकम हो रही है कितनी हमारी खर्चे लॉस हो रहा है। तो इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा इसका अकाउंट बनाएंगे जब, अगर इसका बनाएंगे रिसिप्ट और पेमेंट्स का तो इसमें आएगा ओपनिंग बैलेंस बैंक बैलेंस। नेक्स्ट इज क्लोजिंग बैलेंस। अब बात आ जाती है एंड में कि इसको क्लोज कैसे करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। अब इसका अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। तो बैलेंस एट द एंड, बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एंड इसका मतलब बताऊंगी मैं आपको, कैश सॉरी बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो, अब इसमें क्या कहा है, अगर जो हमारी रिसिप्ट्स हैं पैसे आ रहे हैं हमारे पास ज्यादा हो, रिसिप्ट्स ज्यादा हो पेमेंट से, कि जो हमारे खर्चे हो रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं हम उससे हमारे पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो वो हमारे पास कैश इन हैंड कहलाएगा, कैश इन हैंड बोलेंगे उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज भाषा के अंदर। और इसी का उल्टा, अगर हमारी पेमेंट्स ज्यादा हो रही हैं, पेमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं ज्यादा हो रही हैं ज्यादा हो
रिसिप्ट से, तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाइए इनकम और एक्सपेंडिचर के। ये तो था रिसिप्ट्स का, ठीक है, मैंने बताया अभी अभी जो आपको, अब इनकम का। अब इसमें अगर इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, इसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, इसमें मैं बताती हूँ आपको, इसमें इनकम ज्यादा हो अगर किससे, एक्सपेंडिचर से, इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, तो वो क्या कहलाएंगे हमारी, मैंने पीछे बताया सरप्लस, वो हमारी सरप्लस हो जाएंगी। अगर इसका उल्टा एक्सपेंडिचर खर्चे ज्यादा है हमारी इनकम से, ज्यादा हो इनकम से, तो वो हमारी डेफिजिट कहलाएंगी, वो हमारी डेफिजिट कहलाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है, कि जो इनकम हो गया और एक्सपेंडिचर, खर्चे और हमारे इनकम का जो डिफरेंस होगा, वो जाता है हमारा कैपिटल फंड में, ठीक है, वो जाएगा कैपिटल फंड में। और कैपिटल फंड को हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जैसे हम दो साइड्स होती है ना, एक एसेट्स और एक लाइबिलिटी, तो हमको कैपिटल फंड को करेंगे लाइबिलिटी साइड शो, उसको हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि हर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं अपना जो बिजनेस है खड़ा करता, वो कुछ उसके लिए भी कर सकता है, जैसे वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो उसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि हमें एक्सपेंस और इनकम, प्रॉफिट और लॉस का पता करना है, ठीक है, तो उसमें हम लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड में उसको ऐड करेंगे। इसका कोई क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और रिसिप्ट अकाउंट्स का जैसे मैंने बताया आपको कि पेमेंट्स बोलेंगे कैश इन हैंड, और अगर पेमेंट्स ज्यादा है रिसिप्ट से तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, और रिसिप्ट ज्यादा है तो वो कैश इन हैंड होगा। और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस मान लो इसका क्लोज करेंगे, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2000 रुपए बच गए रिसिप्ट और पेमेंट में। जो 2000 रुपए है वो नेक्स्ट ईयर आने वाले जो हम आगे उसका अकाउंट खोलेंगे तो वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, वो वहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की वीडियो, और इसी से रिलेटेड और न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो, डाउट हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है, पिछली वीडियो को देखें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उनको जरूर देखें।